उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज व अमान में रखे, आमीन। हर बीमारी और हर परेशानी से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मेरे पास एक और बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत मज़े की बनती है। ये रेसिपी है जनाब पालक गोश्त की। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ इंग्रेडिएंट्स में मेरे पास आधा किलो गोश्त है, बीफ है जिसे मैंने तकरीबन 75 से 80%, थोड़ा सा गरम मसाला साबुत, ये एक बड़ी इलायची है, 8 से 10 काली मिर्चें हैं, दालचीनी थोड़ी सी डालकर इसको मैंने बॉईल कर लिया है। ऑयल चाहिए होगा, 750 ग्राम चॉप पालक है, 5 से 6 टेबल स्पून डाइस टोमेटोज़ है। आप लोग दूसरे यूज़ करें तो दो मीडियम साइज़ के टोमेटो ले लीजिएगा। 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर है, सॉल्ट है 1.5 टीस्पून और हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकते हैं, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर है, 1/2 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर है, 5 से 6 हरी मिर्चें हैं, 2 मीडियम साइज़ के अनियन हैं जिन्हें इस तरीके से चॉप कर लिया है, दैट्स इट। मनोहिम सबसे पहले एक पैन में हम ऑयल डाल लेते हैं, इतनी ज़रूरत होगी, थोड़ा सा ऑयल हमने डाला है। ऑयल थोड़ा सा हीट अप हुआ था, हम उसमें अपना प्याज ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाह, और इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है, अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करते हैं। अब इस पॉइंट पे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे भी फ्राई करेंगे। गोश्त है तो इसलिए अच्छा सा हम फ्राई करेंगे इनको। आप इस रेसिपी को मटन के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। ये हमारा देखें प्याज अच्छे से फ्राई हो गया, जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें अपने टमाटर ऐड कर रही हूँ, इसमें टमाटर डाल लेंगे, मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा इसे फ्राई करते हैं। टमाटर को इस तरीके से मैश करके थोड़ा सा हमने फ्राई करना है। आप बाकी के अपने सारे स्पाइसेस जो है वो हम इसमें ऐड कर लेते हैं। अभी डाल लेते हैं अपने मसाले। सारे डाल लेंगे, सॉल्ट, कोरिएंडर पाउडर, अच्छा नमक आप लोग अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले लीजिएगा। सिर्फ अभी हमने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड नहीं किया और कसूरी मेथी नहीं ऐड की है, बाकी हमने इसमें डालनी है, इन्हें अच्छे से फ्राई करना है। थोड़ा सा मसाला हमारा जले ना, इसलिए हम थोड़ा सा 1 से 2 टेबलस्पून बस इतना सा पानी इसमें ऐड करेंगे बस, और इन्हें फ्राई करते हैं। अभी फ्राई हो गए मसाले हमारे, इसमें अपना गोश्त ऐड करते हैं। गोश्त डालेंगे, गोश्त तकरीबन 80% मैंने बॉईल किया हुआ है, बाकी जो हम फ्राई करेंगे ना इसमें हमारा हो जाएगा। इसको अच्छे से फ्राई करते हैं, हमारा अच्छा सा फ्राई हो रहा है। हमने कोई भी साबुत गरम मसाला इसमें ऐड नहीं किया है, क्योंकि हम जब बॉईल कर रहे थे ना उस टाइम हम डाल लिया था थोड़ा सा, तो उससे बहुत अच्छी स्मेल और एक फ्लेवर बन जाता है। अच्छा सा फ्राई करना है। गोश्त हमारा कितना अच्छा सा फ्राई हो गया तकरीबन। यहाँ मैं इसमें कसूरी मेथी ये ऐड कर रही हूँ, गोश्त पे मैं ऐड करूँगी, इससे बहुत अच्छी सी जो है वो गोश्त की स्मेल बनती है इससे ना। थोड़ा सा और फ्राई करते हैं, देन फिर हम इसमें अपनी पालक डालेंगे। ये हमारा गोश्त बहुत अच्छा फ्राई हो गया है, कितना अच्छा फ्राई हो गया। अब इस पॉइंट पे हम इसमें पालक डालते हैं, अब इसमें पालक ऐड कर लेते हैं।
पालक ऐड करने के बाद कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ पालक को मिक्स किया है और 5 मिनट के लिए इसे लिड लगा के मीडियम फ्लेम पे मैं रख रही हूँ। फिर हम इसे चेक करेंगे और फिर से फ्राई करेंगे। तकरीबन 5 मिनट हो गए, अब हम इसे चेक करते हैं। अब मैं इस पॉइंट पे इसे फ्राई करती हूँ। इसे फ्राई करेंगे, बहुत अच्छी तरह हमने इसे फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट हो रहे हैं इसे फ्राई करते हुए। यहाँ हरी मिर्चें हैं, ये ऐड किए हैं, सॉफ्ट फ्राई करेंगे। ऐसा गरम मसाला ऐड करेंगे, आधा हम ऐड अभी करें, आधा बाद में डालेंगे। फ्राई करेंगे, ये देखें 6 से 7 मिनट हुए तकरीबन, मैंने सॉफ्ट फ्राई किया है। कितनी अच्छी फ्राई हो गई ये पालक। अब यहाँ मेरे पास इसमें थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे, जितनी हमें ज़रूरत होगी ना उतना हम पानी, जितनी हम ग्रेवी रखते हैं उस हिसाब से हम डाल लेंगे। यहाँ मेरे पास तकरीबन ये 1/2 कप ये पानी है जो गोश्त मैंने बॉईल किया था उसका पानी, जिसमें गोश्त बॉईल किया था बच गया था, थोड़ा सा ये ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर बन जाता है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप दूसरा पानी ऐड करके इसे बना लीजिए। हाफ कप मैंने वो वाला पानी डाला था और 1 कप ये वाला कप यूज़ किया, 1 कप ये वाला पानी दूसरा पानी डाला है, ठीक है। 1.5 कप पानी डाल के थोड़ी सी देर में इसे पकाऊंगी। लिड लगा के 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 से 6 मिनट हो रहे हैं, हम इसे चेक कर लेते हैं। ऑलमोस्ट डन है, बस अब इस पर गर्म मसाला पाउडर डालेंगे। अभी वही बचा हुआ गर्म मसाला पाउडर है, 1/2 हमने डाल लिया था, बाकी हम अभी डाल देते हैं और इसे लिड लगा के बस 2 मिनट में इसे और रखेंगे। अब हम इसे चेक कर लेते हैं, 2 मिनट हो गए और देखें बन गए। अब हम इसे डिश आउट करेंगे, फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब इसे डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखिएगा हमारा मज़ेदार सा पालक गोश्त तैयार हो गया, बहुत मज़े का बना है। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और चलते चलते आखिरी बात, खुश रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।